ऐसा टेस्ट है एलेन का, ये 14 तारीख वाला है। ठीक है, एक बार मैं क्या करती हूँ, ये है दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है, दिख रहा है 14/8। ठीक है, और आज है 17 तारीख। ठीक है, आज मैं इसको टेस्ट को दी हूँ, तो इसका एनालिसिस देखते हैं। ऐसा टेस्ट है ये, ये बायोलॉजी का हो गया है। अब केमिस्ट्री का करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का देखो, ये फुल सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये मतलब टॉपिक वाइज है। ठीक है, जिसमें कि सिलेबस दिया गया था उनको, लेकिन मेरे को ये PDF मिल गया कहीं से, तो मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा टेस्ट है, NCERT बेस्ड है, कुछ कुछ बाहर है, थोड़ा बहुत 3-4। ठीक है, बस तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है, 4th दिख रहा है, बाकी सब डबल सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद है 52 स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट। देखो, जो 4th वाला है वो क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन है, और पहला वाला क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिमिलर टू ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है BN का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है ना, इसमें जो जेनॉन का जो फ्लोराइड होता है ना, वो अपना फ्लोरिन किसको दे देता है, जो जिससे रिएक्ट कर रहा है, PF5 को दे देता है। ठीक है, तो XeF+ मतलब कि सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। मैं 4th लगाई थी क्योंकि मैं भूल चुकी थी। ठीक है, तो भूल गई थी, जबकि ये वाला कहीं ना कहीं मैं पढ़ी थी या फिर ऐसा क्वेश्चन की थी, NCERT में भी शायद दिया है, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक जहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे रिलेटेड। इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो जो I2Cl6 है ना, उसका स्ट्रक्चर जैसे जैसे वो बनाते हैं ना, देखो 4Cl क्या होगा, मतलब दो आई होगा, दो आई उसके बीच में ब्रिज में, दो आई के बीच में Cl जुड़ेगा, और चार Cl किधर जुड़ेगा, मतलब राइट और लेफ्ट में। ठीक है, तो ऐसे देखोगे ना, तो आई जो है उस पर दो लोन पेयर आएगा, और मतलब एक ऊपर साइड लोन पेयर मान लो, एक नीचे साइड। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर मतलब देखो कितना बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो, और बॉन्ड कितना बन रहा है, 3, 4 और एक 5 है ना, तो SP3D2 ये आएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये प्लेनर हो जाएगा ना यार, तुम खुद सोचो ना, जैसे कि 4 बॉन्ड होता है, फिर 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जैसा बनता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, मतलब सॉरी ये प्लेनर हो जाएगा, जबकि इसमें नॉन प्लेनर दिया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, नॉन पोलर सही है, B2S6 ये सब सही है। ठीक है, अब है इंटर, देखो ये मतलब मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, इंटर लेयर पूछ रहा है ग्रेफाइट के बीच का। ठीक है, इंटर लेयर डिस्टेंस पूछ रहा है ग्रेफाइट, तो इसका आंसर है 55 का 3rd आंसर है। ठीक है, 3rd का मतलब है मोर देन ट्वाइस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। मैं 4th लगाई थी, मैं 4th क्यों लगाई थी, नहीं मैं 4th नहीं लगाई थी, मतलब मेरे को ये पता नहीं था, तो मैं लगाई ही नहीं थी। ठीक है, इसका आंसर है 3rd, ट्वाइस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, पता नहीं क्या है इसका। फिर है नॉट अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखो स्मेल्टिंग रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोसेस नहीं है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सो करता है, तो नेपच्यून जो है ना, नेपच्यूनियम NP, देखो ये एक्टिनॉइड्स है। ठीक है, 93 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 94 प्लूटोनियम, ये दोनों ना सिर्फ एक्टिनॉइड में +7 शो करते हैं। ठीक है, और जो +3 से +7 तक का रेंज कहाँ, 93 से लेके 98 तक ये रेंज होता है। ठीक है, इसके आगे जो है वो +3 ही होता है। ठीक है, मतलब एक्टिनॉइड में हम लोग को पता है 90 से लेके 103 तक होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, तो 93 से लेके 93 और 94 जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है वो +7 शो करता है सिर्फ इसमें, और रेंज जो है ना +3 से लेके +7 तक का वो 93 से लेके 98 तक होता है, उसके आगे +3 ही रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट था बट इम्पॉर्टेंट था, और इसमें सारे शो करेंगे। ठीक है, मैग्नीज तो करते ही पता ही है, क्लोरीन भी करता है। ठीक है, तो 4th हो जाएगा ऑल करेक्ट बताना है, तो
निकिल का साइज़ छोटा, फिर पैलेडियम और प्लेटिनम का सही मतलब सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, लेंथेराइड कॉन्ट्रैक्शन 59 में देखो मैं कंफ्यूज हो गई थी, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म और लिंकेज आइसोमरिज्म है, इसका आंसर है लिंकेज। ठीक है, क्योंकि सी एन और एन सी दो क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो इसका लिंकेज होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना मेरी तरह। ठीक है, फिर 60 में ना जो सेकेंड ऑप्शन है ना वो उसका आंसर है, बिकॉज जब बी ए एस ओ फोर बनता है तो वाइट क्रिस्टलाइन होता है, पर मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी इसलिए मैं इसको नहीं लगाई थी 60। तो 60 का आंसर सेकंड है। ठीक है, 61 पे आते हैं, सिल्वर इज़ रिफाइंड बाय क्यूपलेशन प्रोसेस। ठीक है, इट रिमूव द इम्प्योरिटी, तो सिल्वर जब रिफाइन करते हैं क्यूपलेशन से तो हम लोग उसमें से क्या रिमूव करते हैं, लेड रिमूव करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला जो चैप्टर होता है मेटल रेजी, उसको ना बार बार याद करना है, बार बार देखना है, बार बार याद करना है, तब जाके और टाफिकेशन याद होगा। ठीक है, क्योंकि भूलने वाला बहुत है इसमें, तो इसलिए बार बार पढ़ो, अभी रिवीजन करना है। तो 62 में आते हैं, ओके, मतलब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से नहीं। तो सेकंड में देखना, सेकंड में जो लार्ज ग्रुप है ना दो ठो मिथाइल मिथाइल, उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बाकी पहले में बैक बॉन्डिंग होता है, थर्ड में भी हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ का तो बैक बॉन्डिंग नहीं पता लेकिन, ठीक है, तो मतलब उसमें तो बॉन्ड एंगल कम होना है, तो NH3 और PH3 में NH3 का ज़्यादा होता है, PH3 का तो बहुत कम बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो ये तो पता है, तो इसका आंसर एलिमिनेट करके सेकंड आ जाएगा। 63 में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें गलती की थी, मैं लगाई थी फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैं रिवाइज नहीं की थी। ठीक है, डायरेक्ट ये पेपर दे दी थी मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, SiO32-, तो इससे जो भी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना सिलिकेट्स वाला सारा A to Z चेन 3D और जितना भी दिया हुआ है ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है जितना, मतलब तो 63 का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, मतलब SiO32- क्या हो जाएगा, लीनियर वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी दिया हुआ है वहाँ पे NCERT में सब पढ़ना, सब पे क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अब करेक्ट बताना है स्टेबिलिटी, तो वो इसमें इसका आंसर है स्टेबिलिटी में सेकंड वाला, Mn2+ ज़्यादा स्टेबल है Mn3+, आई रियली डोंट नो, लेकिन हमको इतना पता है कि +7 से +2 में आता है, मतलब कि +2 ज़्यादा स्टेबल है शायद तक, लेकिन मुझे नहीं पता इसका रीज़न, इसका आंसर वही दिया है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी, देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आयोनिक कैरेक्टर देखना है, और आयोनिक कैरेक्टर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन का साइज़ देखो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनायन का साइज़ देखो, एनायन का साइज़ छोटा होना चाहिए। ठीक है, और देखो ये तो आयनिक हो गया, कोवेलेंट देखो जनरली कोवेलेंट का लोग याद रखते हैं, उसी को मैं उल्टा करके दिमाग में याद कर ली हूँ। ठीक है, तो कोवेलेंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन का साइज़, एक चीज़ याद रखो दूसरा चीज़ खुद ही कर लो। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, जिसका एनायन का साइज़ कम होगा, ये आयनिक के लिए है। ठीक है, फजांस रूल क्यों बोल रही हूँ मैं, फजांस रूल ही होता है क्या कोवेलेंट के लिए, सच में मैं भूल गई हूँ, ऐसा लगता है मैं सब मिक्स हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हो एक रूल होता है। ठीक है, फजांस ही तो है और नहीं पता मेरे को, कोवेलेंट के लिए लेकिन एक रूल होता है। ठीक है, फजान सी है यार, बहुत लग रहा है एकदम। ठीक है, चलो छोड़ जो भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaF। ठीक है, मतलब एनायन का साइज़ छोटा होना चाहिए तभी आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो मल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब 66 में आते हैं, ये है क्यूरियम 96। ठीक है, एक्टिनॉइड का है, तो देखो इसमें क्या याद रखना ना मैं बताती हूँ। ठीक है, एक तो क्या दिमाग लगाना, 86 रेडॉन का होता है। ठीक है, अब 86 में 96 और 86 में 10 का डिफरेंस है, 10 के डिफरेंस में सिर्फ कितना, 7 8 9 10। ठीक है, तो
पहला, दूसरा, तीसरा में 10-10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, चौथे वाले में तो कहाँ कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर दिए है, ठीक है, तो फोर्थ एलिमिनेट कर दो। अब पहला, दूसरा, तीसरा में क्या करो ना, डी में ना सिर्फ 0 to 1 ही होता है, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जनरल पढ़ते हैं तो, ठीक है। N-2 F में 0 to 14 आ सकता है, N-1 D में 0 to 1 आ सकता है, तो सिर्फ 0 to 1 वाले में थर्डी में दिख रहा है, यार दिमाग लगाओ ऐसे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कोई याद नहीं करेगा, नहीं करता भी कोई नहीं है, ठीक है। इसमें देखो CO डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वाले केस में देखो क्या कर वाला पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं उसको यार, ये वाला जो मेन जो टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना कि जो जो नेगेटिव, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, जिस पे भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, वो वाला क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है, मतलब दे सकता है सेंट्रल मेटल आइटम को ऐसे, या फिर जैसे भी याद रखना, कैसे भी याद रखो, जिस पे नेगेटिव दिखा उसका क्या होना चाहिए, बॉन्ड इसमें क्या पूछा, बॉन्ड लेंथ पूछा ना, लेंथ ज़्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कम कब होगा, हाँ बॉन्ड ऑर्डर कम कब होगा, जब ओह मैं कंफ्यूज हो गई, इसका आंसर 67 का, सेकेंड है, मतलब सेकेंड वाले का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, लेंथ ही तो दिया है, पिकोमीटर में क्या देगा यार, लेंथ ही तो देगा, तो 200 है सेकंड वाले का, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। बॉन्ड ऑर्डर कम कब होगा, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, तो मेटल कार्बोनिल, हाँ यही टॉपिक है मेटल कार्बोनिल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके ना रीड कर लेना, ठीक है। तो जैसे भी याद रखना वैसे याद रखूँ, ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेकंड, मैं इसको रिवाइज़ करूँ क्योंकि मैं भूल गई हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली, पर मेरे को इतना याद है कि जो माइनस वाला होता है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, और बॉन्ड ऑर्डर उसका कम होता है। यार ऐसे भी याद रखोगे ना, और एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, ठीक है। अब थोड़ी ना एकदम दिमाग लगाते रहोगे, अगर मान लो बाई चांस भूल गए तो मेरे जैसे लोग तो, मेरे जैसे हो गए तो भूल जाओगे, अच्छे दिमाग वाले हो गए तो अच्छी बात है। अब आते हैं 68 में, तो इसको जब निकालोगे ना यार 68, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, मतलब पहले वाले में, फिर थर्ड वाले में, फिर सेकंड वाले में, ठीक है, निकाल लेना, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इस वाले में, इस वाले में CO का बॉन्ड लेंथ इज इतना, देन CO बॉन्ड लेंथ इन, इसमें इसका 69 का आंसर पहला है, ठीक है, मतलब और ज़्यादा क्या, जितना भी दिया उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ किस में बढ़ता है, जिसमें देने वाला ज़्यादा हो, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, इसका एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन, पर इसका आंसर पहला है। 60-70 का आंसर क्या है, सेकंड है, ठीक है, मतलब PH3 बनेगा CA3P2+H2O से, फिर उसके बाद HI से रिएक्ट करेंगे तो PH4I बनेगा और KOH, ठीक है, BCD मतलब D वाला जो है वो KOH हो गया, रोक के ऊपर वाला, ठीक है। तो ये डायरेक्टली दिया हुआ है रिएक्शन, NCERT में भी है, ठीक है, मेरे को लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वन वुड बी नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है, मतलब सही कौन सा है, ठीक है, तो सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 71 का, सेकेंड, मैं फोर्थ लगाई थी क्योंकि मेरे को सेकेंड सही नहीं लग रहा था, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, देखो जिसमें सबसे ज़्यादा चार्ज होगा पहले वाले में +7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर
ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। दूसरा तीसरा दोनों में, लेकिन मेरे को इसका रीज़न नहीं पता। ठीक है, एलन के एक्सप्लेनेशन में भी नहीं दिया है, सच में नहीं पता मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिप्रेसेंट, ये इम्पोर्टेंट है, NaCN और KCN। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है वाला जो भी टॉपिक है ना, ये फ्लोरेशन वाला, ठीक है, सल्फाइड ओर का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पाइन ऑयल वगैरह भी यूज़ करते हैं, थैलजन थेट किसके लिए यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट किसके लिए यूज़, सब सब जाके पढ़ना, सब पे एक एक क्वेश्चन मतलब यहीं से कर लेना यार, ठीक है, नहीं किया हो तो। 75 में Cl2 गैसेस ड्राइड ओवर कंसनट्रेशन H2SO4। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने वाला है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा आया था इसमें। ठीक है, ये जो भी सिलेबस था, मेरे को नहीं पता कौन सिलेबस था। वैन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, अ ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ओके। हाँ तो Cl6 का थर्ड है, ठीक है, Cr5 ब्लू कलर बोल रहे हैं यार, सेकेंड वाला ग्रीन कलर होता है, आई थिंक सो, मेरे को याद है जहाँ तक नीट में आया हुआ है। तो इसमें ब्लू पूछ रहा है, मेरे को लिटरली याद नहीं ब्लू कलर। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट आयन इज फाउंड टू बी ज़ीरो, देन द आयन इज DsP2 होगा। ठीक है, वो जो कोऑर्डिनेशन में सोच के देखो, ठीक है, मतलब ज़ीरो बोल रहे हैं मतलब पेयरिंग होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंट होगा। ठीक है, तो DsP2 होगा थर्ड। 77 का, 78 का है एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग, खुद मतलब थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना इसमें, मैं ऐसे लगा, मेरे को याद नहीं रहता इसलिए याद करने के लिए कि एल्यूमिनियम अब खुद थोड़ी ना रिड्यूस होगा यार, दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ख़ुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब Al पे +3 चार्ज आना चाहिए, मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो +3 आएगा, ऐसे सोचना है, तो फोर्थ हो जाएगा। नॉट अकर ड्यूरिंग रोस्टिंग, देखो रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो थर्ड वाले में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए थर्ड हो जाएगा। B2SO6 चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वाला जो है ना, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन सेम प्लेन पे होते, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। ये तो फॉलोइंग इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन कंसंट्रेशन HNO3। इसका आंसर पहला है, क्यों है नहीं पता मेरे को। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट याद रखने वाला हो। ये तो फॉलोइंग नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, थर्ड इसका आंसर है GCl2। इसका भी रीज़न नहीं पता, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। 83 का सेकेंड आंसर है, ठीक है, OH और H+। ठीक है, Cr2O7 रहेगा, तो O7 देखो कैसे याद रखोगे, O7 बड़ा चीज़ है और कन्वर्ट हो रहा है छोटा में, मतलब O4 में। ठीक है, तो बड़ा चीज़ बड़े को लेके छोटे में कन्वर्ट होगा, ऐसे याद रखा, मैं ऐसे याद रखी हूँ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि कैसे भी याद रखोगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना वहाँ पे। ठीक है, ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, उसको याद रखने के लिए ऐसे ही अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, मैं इसमें गलत की थी, बिकॉज मैं पहला, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऐसा तरीका अपनाई हूँ कि O7 बड़ा है तो बड़े को लेके छोटा बनाएगा। ठीक है, बड़ा बड़ा मिलके, मतलब बड़ा चीज़ ही मिलके, दो बड़ा चीज़ मिलके छोटा चीज़ बनाएंगे, कैसे भी याद रखो यार। ठीक है, मतलब बड़ा इस सेंस में कि OH- बड़ा H+, मतलब साइज़ देखो ना, दो चीज़ है तो बड़ा चीज़ है, ऐसा टाइप सोचो। ठीक है, 84 का पहला हो जाएगा। ठीक है, वो तो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें तो पांच दिख ही रहा है, चार उसका एक उसका पांच आयन। ठीक है, अब इसमें CO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो देखो माइनस, मैं बताई थी ना बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, मतलब देखना कि फोर्थ वाला जो जिसमें माइनस चार्ज दिखे। ठीक है, तो 86 का फोर्थ हो जाएगा। 87 नंबर ऑफ आयंस, पाँच तो थर्ड हो जाएगा। 88 कार्बन रिडक्शन मेथड नॉट यूज्ड, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, खुद सोचो ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए अलग ही वो होता है, इसलिए पहला हो जाएगा। इसमें हाइड्रोमेटलर्जी जोन रिफाइनिंग में सच जिरकोनियम हॉफ में मतलब TI नहीं होता, भले उस ग्रुप में आता है
टी ज़रा हाफ, लेकिन टी वाला नहीं होता, सिर्फ जिरकोनियम हाफ में होता शायद, क्योंकि इसका आंसर सेकेंड वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बी को एलिमिनेट करो, तो इसका आंसर है 89 का सी वाला, मतलब कि ए सी डी है ना, करेक्टली मैच है ए मोनास मॉन्ड्स प्रोसेस सबको पता रहता है निकल के लिए, ठीक है, बहुत बार क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पोलिंग पोलिंग के लिए क्या याद रखना है, टीन, आप कैसे याद रखोगे, टीन को पॉलिश कर दो, टीन को ही पॉलिश करोगे ना, याद रखे यार ऐसे याद रखो ना, टीन जो मान लो जो ऑयल वाला जो टीन टीना आता है, टीना टीना बोलते हैं ना उसको, जिसमें ऑयल आता है, अरे यार वो जो सरसों का ऑयल वगैरह नहीं आता है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, तो उसका जो टीना होता है उसको पॉलिश, उसमें क्या उसमें जंक लग जाता है ना, जंक जंक ही तो बोलते हैं, रस्ट यार रस्ट, ठीक है, तो रस्ट रस्ट लग जाता है, तो उसको पॉलिश कर दो, हाँ टीन टीन फॉर पॉलिशिंग, ऐसे याद रखो, कैसे भी याद रखो। हाइड्रोमेटलर्जी कैसे याद रखोगे, मेरे को नहीं पता है इसका, ठीक है, देखो मेटलर्जी, अच्छा हाइड्रोमेटलर्जी में जी आ रहा है, तो ये जी जैसे याद रखना है रखो यार, लेकिन रखो, ठीक है, पहला तो याद रहता है, सेकेंड वाला इसमें गलत है, 1, 3, 4 सही है, ठीक है, 90 में है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका 4 आएगा, ठीक है, इसको बना के देखते हैं, पता नहीं मैं भूल गई हूँ उसको, इसको एक्सचेंज कर करके कैसे कैसे बनाते हैं, तो 90 का हो जाएगा सेकेंड। 91 में है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, या निकाल के देखोगे ना तो इसका आंसर आएगा 4th, ठीक है। अच्छा, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर वेरिंग बिटवीन लेंथ एंड एक्टिनॉइड, सारा चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेडियो एक्टिविटी, बेसिक नेचर, हाइड्रोक्साइड, सब वेरी करता है, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, तो ऑल हो जाएगा। वर्क एज अ गुड ऑक्सीडेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑक्सीडाइजर, गुड ऑक्सीडाइजर मतलब कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा, खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो सारे के सारे खुद को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मैं थर्ड लगाई थी क्योंकि मेरे को थर्ड ही मतलब मेन ध्यान गया थर्ड पे ही, फिर मैं फर्स्ट नहीं ध्यान दी, लेकिन अच्छा एक और क्वेश्चन किए थे ना जहाँ पे Mn2+ इज़ मोर स्टेबल देन Mn3+, यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाओ, देखो देखो देखो, ठीक है, तो सारा होगा ऑल होगा, इसलिए 93 का ऑल, ठीक है। अब 94 में क्या है, देखो यार खुद देखो, ये रेडॉक्स है, ठीक है, रेडॉक्स लिखा हुआ है फोर्थ में, तो बाकी सब सही है, सिर्फ फर्स्ट वाले में क्या है, रेडॉक्स है, तो यार CU देखो फर्स्ट केस में तो खुद 2+ है, तो जब ABCD इसमें पूछ रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट क्या है, तो ए वाला जो है ना, ए जो बन रहा है वो Cu2+ ही थोड़ी बनेगा, देखो CuI2 में भी 2+ है ऑक्सीडेशन नंबर, और कॉपर वाले में भी क्या है, 2+ है, तो 2+ से 2+ थोड़ी ना रेडॉक्स होते हैं भाई, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, है ना, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 94 का, ठीक है, ऐसे ही दिमाग लगाई थी मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फोर्थ हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है, खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि खुद ये किस में, -2 में है, ठीक है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज नॉट बोला है, इसलिए दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, और खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, तो खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा 95 का। 96 का ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है यार, मतलब +1 का, ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा। 97 में नॉट करेक्ट, डाइबोरेन के बारे में, सिमिलर तो होता ही, ऑल BH बॉन्ड और सिमिलर तो नहीं होता ना, ऑल BH बॉन्ड BH, क्योंकि ब्रिज वाला भी तो है। नॉट रिलेटेड टू कंसंट्रेटेड H2SO4, जो परमानेंट ब्लीचिंग दिया ना वो गलत है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, मेरे को खुद याद नहीं था, और कैसे पता चलता है परमानेंट ब्लीचिंग, ये भी नहीं पता मेरे को अभी फिलहाल, ठीक है, स्टेटमेंट कंसीडर करना है, ABCD, ठीक है, करेक्ट बताना है, ए इसका आंसर है सेकेंड, ACD, ठीक है,
सिलिका सॉल्युबल होता है, जब मैं विधि एनसीईआरटी में सिलिकॉन हीट इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और जो पहला दिया है वो लीनियर सिलिकॉन्स के लिए, ठीक है। जो सेकंड वाला दिया है ना आर, ये इसमें लीनियर नहीं होगा, इसमें ना नेटवर्क बनेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो आर टू है तो लीनियर बन रहा है, आर सिंगल है तो ऊपर नीचे सब साइड से जुड़ जाएगा, और सिर्फ आर थ्री रहता तो शायद सिर्फ चेन को टर्मिनेट करने वाला, ऐसा दिया है सब एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसलिए बी वाला गलत हो गया। 100 है MnO2 heated to fuse KOH in presence of air then product form। ओके, इसमें ना थर्ड वाला आंसर है, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि क्या मेरा फोर या फिर उससे रिलेटेड कुछ ग्रीन कलर होता है, इसलिए मैं फर्स्ट लगाई थी जो कि गलत था, थर्ड आंसर है इसका, ठीक है। KOH से हीट करने पे सब याद नहीं होता यार। अब 101 बेसिक सा, एक मिनट हो गया क्या, ये तो हो गया, वाओ, हाँ केमिस्ट्री हो गया, ग्रेट, 26 मिनट में, वाओ, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक था इसलिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिजिक्स वाले में, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट्री का, वो हो गया बायोलॉजी का भी हो चुका, केमिस्ट्री का भी हो गया, तो मिलते हैं फिजिक्स वाले में सॉल्यूशन में, ठीक है।